But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेमेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्रिलियंसर के बारे में। उन्होंने अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात बोली कि काफी फैंस खुश हो गए और देन उन्हें जो उम्मीद थी कैप्टन मार्वल से, वो उनका सपना सच होने पर आ गया। जी हाँ, तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला, तो उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला कि कैप्टन मार्वल एमसीयू की इतनी पावरफुल सुपर हीरो है कि वो प्लेनेटों को मूव कर सकती है। जी हाँ, यहाँ पर हमारा थैनोस एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक प्लेनेट को सिर्फ इन्फिनिटी गॉटलैंड की मदद से और इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से प्लेनेट को तोड़ पाया, बट यहाँ पे कैप्टन मार्वल प्लेनेट को मूव कर सकती है बिना किसी पावर के। यानी कि उसे जो नेचुरल पावर मिली है जहाँ से भी, वो सिर्फ उन्हीं पावर की मदद से प्लेनेट्स को तोड़ सकती है, मूव कर सकती है, जो कि काफी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है अब जैसे ही कैप्टन मार्वल पर निक फ्यूरी का मैसेज आएगा, उसके बाद ये स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में चलेगी, जिसमें कि कैप्टन मार्वल का हमें ओरिजिन दिखेगा और जितने भी सैन डिएगो में कैप्टन मार्वल के कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए थे, वो जगह अर्थ नहीं लगती है। 100% ये एक स्पेस वॉर होगा जिसमें कैप्टन मार्वल स्पेस में जाके स्कल्स का अड्डा, यानी कि उनका रहने का जहाँ पर वो रहते हैं, खत्म कर देगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट देख के यही लगता है, और देन अर्थ में जितने भी स्कल्स रह गए होंगे उन्हें निक फ्यूरी शील्ड के साथ खत्म कर ही देगा। तो मुझे तो यही लगता है, इसलिए कैप्टन मार्वल स्पेस में चली गई होगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर एंटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।